भैया फाइनली हम लोग पहुंच गए सी बीच के पास में। पीछे जो होर्डिंग दिख रहा है वो यहाँ से भुवनेश्वर का है 18 किलोमीटर, और वहाँ से इस तरफ का है पूरी 42 किलोमीटर, अभी भी बाकी है। लेकिन मैं कहीं पर जाऊंगी और कुछ गड़बड़ नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सो हेलो, आई एम इन बाबाज जाएगा, ठीक है। तो आज शाम को हम लोग जाने वाले हैं पूरी बाई रोड, इसी जगह बाई रोड मीन्स बाई कार होता है। जस्ट किडिंग। मम्मी पापा नहीं जा रहे हैं, सिर्फ मैं जीजी, मैं दीदी, जीजू, गुड़िया, काकू, काकी माँ, हम सभी लोग मिलके जा रहे हैं। सो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर आवर रोड ट्रिप। तो इसी ट्रिप के लिए मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी, लेकिन पापा मम्मी नहीं जा रहे, उसके लिए एक अधूरा सा फील भी हो रहा है। लेकिन कोई ना, जाने का मौका मिल रहा है तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। और क्या बताऊँ, कल हम लोग यहाँ आए थे, वहाँ से हमारा जो गांव वाला घर है वहाँ से हम लोग यहाँ कल ही आए हैं। मैं लास्ट गई थी, इतना ज्यादा बैकग्राउंड साउंड चल रहा है ना, मैं लास्ट गई थी 2019 में, और नेक्स्ट अभी जा रही हूँ। बीच में से 3 साल रह गया था। और क्योंकि पता है, मतलब हम लोगों का ऐसा है ना कि हम लोग हर साल में एक बार पूरी जाते ही है, लेकिन मेरा बीच में से 3 बार मौका गया। लेकिन इसके पिछले साल मम्मी और पापा लोग और दीदी लोग भी जाके घूम के आए, लेकिन मेरा रह गया था। तो वहाँ जाके जगन्नाथ देव का दर्शन करना है। चलो शाम को या रात को निकलने वाला है, उसके लिए थोड़ा बहुत इंतजाम करना है, क्योंकि बैग हमारा फुल पैक्ड है। हम लोग एकदम तैयार होके आए थे, लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था कि कब जाना है कब नहीं। ज्यादा कुछ इंतजाम करना नहीं है, बस थोड़ा बहुत तो कुछ लेकर जाना होगा। और अभी पापा घर में है नहीं, पापा गए हैं ऑफिस, पापा का तो बिजी शेड्यूल यहाँ आते ही चालू हो जाता है। मन में एक अधूरा एक दुख सा फीलिंग भी है, और एक साइड में एक्साइटमेंट भी है कि पूरी जा रहा है, क्योंकि बहुत एक अच्छी जगह है और वहाँ जाते ही ना मन एकदम खुशहाल हो जाता है। और बहुत दिन बाद जा रही हूँ, इसलिए तो कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। कुछ भी नहीं, बस दीदी जा रही है तो इसलिए I am happy and comfortable। और मम्मी चाय बनाने की तैयारी कर रही है। क्या क्या टेस्ट किया तूने, मुझे भी दे थोड़ा। क्या टेस्ट किया तूने, क्या है वो? इसमें कुछ नया बन रहा है, मुझे पसंद नहीं है छाना। हाँ, हमारा अब वही गोंदरे से ही ठाकुमा खेतो हमारा ना भालो लागे ना নেই চা বানা চাইয়ে অভি চা বানানে কি তৈরি চলো। কল মা দিদি ও জিজু মিলকে মতলব বাহার গে থে, 2 দুধ কা প্যাকেট লাই থে, উসমে সে 1 দুধ কা 12 বজ গিয়া, ছানা হো গিয়া উসকা, আর দুসরা অভি বাকি হ্যায় তো উসকো অভি টেস্ট করনা হ্যায় হমে। আগর চা বান জায়ে তো আচ্ছা, আগর ছানা বান গিয়া তো উসকে সাথ হি কুছ মেরামত করকে মম্মি কুছ বানানে ওয়ালি হ্যায়। মা কি বানা ছোটা কি এটা বলো আগে? পনির ऐसा करके पनीर, इसको इसमें जो पानी है वो पहले अलग करना चाहिए था। हाँ, चलो सत्यानाश हो गया, ये वाला दूध भी फट गया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फ्रिज में रखने के बाद भी ये फट कैसे गया? समझ में नहीं आएगा, क्यों? ये पहला वाला दूध है काकी ना, पहला वाला दूध है पहला। अच्छा अच्छा, दुकान से ही पुराना था, मतलब दुकान वाले ने घपला किया है। घपला नहीं किया, नहीं डेट देख के लेना चाहिए था भैया को, पता है? किसी को बोल, बाहर से बोल तू। मैंने कारण को शुरू शुरू गेम लगा उचित नहीं। ओके ओके, ठीक है, आई एम सॉरी। तो फिर उसी से थोड़ा चाय बना दो ना प्लीज। थोड़ा सा 1 कप दूध और चाय भी ठीक होगी, तुम आज मजा खाना। दूध एकदम ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ये गाय का दूध है, पापा ने मंगवाया है, तो इसी से अभी चाय बनेगा।
मतलब चाय इज रेडी नाउ एंड उसके साथ साथ ये वाला पाव रोटी भी है। थोड़ा दरवाजा खोलिए ना, खोलिए दरवाजा थोड़ा, चाय आ रही है, बस अब लगा दो दरवाजा। ये देखो मम्मी छेना से ये बनाकर दे गई है, क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, हाँ बोलते क्या है पता नहीं, लेकिन खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है ना, है ना। घी ककड़ी, घी ककड़ी छन्नी कुछ भी बोल दो, घी ककड़ी छन्ने ना, घी ककड़ी बोले। मुझे थोड़ा देना, मुझे थोड़ा खिला देना प्लीज, मैं हाथ लगाऊंगी तो तेल तेल हो जाएगा। बोल यार मैं नहीं जाऊंगी तो तू भी नहीं जाएगी क्या? अरे मुंह से निकल, उतना शर्माने की क्या बात है। ये बहुत ही बढ़िया था खाने में। चलो चलो बेटा बाहर चलो चलो, अभी हो रहा है टाइम दोपहर के 3, अभी हम सब लोग लंच करने के लिए बैठ रहे हैं। पापा और जीजू बाहर ही खाएंगे और हम लोग घर में, वो लोग काम से बाहर गया है और ये बच्ची का खाना हो गया है ऑलरेडी। ओके तो आज का आइटम क्या क्या हुआ है वो भी दिखा देती हूँ मैं। दाल, चावल, दही, बंदा गोभी, ये वाला है चटनी। चलो खाना पीना ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया, अभी हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। मेरा कोई रेस्ट वेस्ट का कोई सीन नहीं है, मुझे सोने का मन भी नहीं करता है। मैं थोड़ी देर बैठ के कुछ वीडियोस अपलोड करके रखूंगी कि वो मिस नहीं होना चाहिए। मम्मी बोल रही है मेरा इस बार लॉन्ग वीडियोस आएगा बहुत सारा, मैंने मोटा-मोटी। अभी दीदी अपना कुछ स्टोरी बता रही है, बता रही है कॉमेडी टाइप्स का। hours later. हो रहा है रात के 8, पापा और जीजू अभी तक नहीं आए और ये लड़की यहाँ पसीना बहा के रोटियाँ बना रही है। इतना ज्यादा गर्मी है कि क्या बताएं, बीच में एक बार करंट भी चला गया था और इस वाले रूम में एसी है और जब एसी के अंदर जा रहा है तो मतलब क्या ही फील हो रहा है, एक अलग सा, और जब वहाँ से वापस बाहर आ रहे हैं तो मतलब क्या ही फील हो रहा है, समझ रहे हो आप। तो अभी मैं उसको थोड़ा हेल्प कर दूंगी, रोटी वोटी सेक के रोटी बनाने की तैयारी कर रही है। सब तू ही करेगी? बाप रे इसका हालत देखो बेचारी की। लेकिन एक बात है, ये पसीना पसीना होने के बाद जब फैन के नीचे आएगी ना तो मजा आ जाएगा एकदम से। भिंडी का सब्जी बन रहा है, मैं खूंटी हाथे लेकर रेडी हूँ लेकिन इन लोगों को मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है कि मैं कर सकती हूँ। एक बार दिखा दे मुझे तो। ये सब करने के बाद रात 10 या 11 बजे हम लोगों को निकलना है यहाँ से। पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। देखो लास्ट तक मेरे ऊपर से भरोसा उठ गया, फिर खुद ही लग पड़ी। एक दिन मेरा बनाया हुआ खा लेती तो क्या हो जाता। ओके सो अभी हो रहा है रात के 10:40 हो रहा है। गोपा थोड़ा रात में जाना आज कैंसिल हो गया है बाय सम रीजन। कल हम सुबह 9 बजे निकलेंगे, सोचे थे कि हाँ गर्मी है रात को ही निकल जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से अभी रात को जाना कैंसिल हो गया। ओके सो वी आर रेडी टू गो, रेडी हो गए हम, लेकिन बाहर रास्ता बन रहा है तो इसलिए जाने आने में थोड़ा दिक्कत होगा, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को बाहर का हालत। इसलिए सिर्फ हम लोगों को यहाँ से ये सारा लगेज लेके रोड तक, यहाँ से मतलब मेन रोड तक चल के जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से गाड़ी में चढ़ेंगे हम लोग। ओके सो हम लोग निकल पड़े हैं हमारे सवारी में। वहाँ बहुत ज्यादा रश था, बहुत साउंड था, वो रास्ता बन रहा है, हम लोग निकल पड़े हैं। अब देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर आवर रोड ट्रिप। इधर है पापा का ऑफिस, यहाँ पास में एक वो मसाला मूढ़ी विद पकौड़ा मिलता है, वो हम लोगों को लेना है। दुकान खुला है या नहीं? खोला है दुकान, हम लोगों को बस लेना है यहाँ से। भैया गए हैं पकोड़ा लेने के लिए। कोई तू अकेली खाएगी क्या? बोलो तो देखो इसका रूप कैसा है। हाँ इसको चाय से खाने में और भी अच्छा होता, लेकिन हम सब लोग चावल दाल सब कुछ खा के आए तो उतना ज्यादा खाएंगे तो उल्टी हो जाएगी। थोड़ा कंट्रोल में खाना पड़ेगा। दीदी तू कंट्रोल रखना अपने खाने में।
फिलहाल सभी रुके हैं मुंडा के लिए दवाई लेने के लिए, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए पहले से प्रिकॉशन होता है ना वो लेकर रख रहे हैं हम लोग। तो भैया गए अभी दवाई लेने के लिए। ये लड़की को कलरिंग चश्मा पहन के सो रही है, और ये भी सो रही है, इसका बेटी भी सो रही है। तो नहीं सुनेड़ी किरे पुरे ओठ चुले छी। हमारे घर में सभी लोग एंटरटेनिंग ही है बोल सकते हो, देख ही सकते हो सब एग्जांपल आसपास में ही घूम रहे हैं सब लोग। सभी लोग क्या बताऊं, रास्ते में अभी जा रहा है तो फील हो रहा है पूरा कि हम लोग नाव में है, शायद पूरा नाव जैसा फील आ रही है। पर भी दीदी अपना स्ट्रगल करते हुए अपने बेटी को खिलाते हुए, खाएगी नहीं वो, फोर्सफुली खिलाएगी उसको। टोल नंबर 3, इसके बीच में भी एक टोल निकल गया था और ये नंबर 3 है। हम लोग उड़ीसा में घुस गए हैं और इसका ये सब नौटंकी चल रहा है बीच में से, मतलब क्या बताऊं, गाड़ी को ही घर बना दिया है पूरे लोगों ने। यहाँ फिर से जाम जैसा कुछ लग गया है, देखो पुलिस वगैरह भी है खड़े हैं, और ये वाला जो डंपर है ट्रक है ये रास्ता ब्लॉक कर दिया है इसने। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। रास्ते में जाते रहते हम लोग बहुत होटल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। लास्ट तक जाके एक मिला, क्या बीजोया ढाबा बोल के कुछ है, तो वहाँ जाके देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। हेवी कुछ नहीं खाना है क्योंकि हम लोग घर से खा के निकले हैं, थोड़ा बहुत तो नाश्ता चलता ही है ना क्योंकि भूख लग गई है। निकले थे हम 9:30 बजे, अभी हो रहा है 2। सो हाईवे में है ये वाला ढाबा, बिजोया ढाबा बोल के कुछ है, बिजोय ढाबा। तो यहाँ हम लोग अभी रुके हैं। तो दिस इज द होटल इंटीरियर। कहाँ बैठना है? हाँ फैन है, फैन के नीचे ही बैठ। ये ऑन करने के लिए बता। हाँ ठीक है, चलो अभी यहाँ देखते हैं खाना क्या क्या मिलता है। हम लोग भेज में ही खाएंगे, रोटी खा रहे हैं। और दादा पनीर मिलेगा या नहीं थोड़ा पूछ लो। पनीर 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 मसाला पनीर तो प्याजा पनीर कढ़ाई पनीर चिली पनीर मटर मसाला पनीर एंड रोटी प्लेन रोटी। अभी यहाँ खाने का ऑर्डर दे रहे हैं सब लोग। मैं खा रही हूँ प्लेन रोटी एंड पनीर बटर मसाला। पनीर मुझे अच्छा लगता है तो पनीर ही प्रेफर किया मैंने। खट्टा दो ये मुझे ना, ये रास्ता वाला जो ढाबा होता है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बेसिकली ढाबा नहीं है, होटल ही है। यहाँ एक आइसक्रीम का पोस्टर दिया हुआ है, और कहीं पर भी हम जाते हैं ना ये वाला पोस्टर देख के हम लोग ऑर्डर करते हैं। अगर हम लोग हमारे हिसाब से कुछ आइसक्रीम का ऑर्डर करते हैं 60% टाइम हम लोग लॉबी खाए हैं कि नहीं ये वाला आइसक्रीम यहाँ मिलता नहीं है। गुने चुने कुछ आइसक्रीम जो भी बेसिक होता है वही मिलता है, ये सब तो फॉर शो है। यहाँ खट्टा दही मिक्स वेज टी, यहाँ काकी माँ खा रही है एक मिक्स वेज थाली और बाकी आ रहा है। यहाँ मेरा पनीर भी आ गया, यहाँ मिक्स वेज और रोटी। यहाँ ना मिक्स वेज के ऊपर हो और पनीर की सब्जी के ऊपर हो फेस क्रीम डाला है, देखा तूने, उसके लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है खाने में। क्रीम मुझे तो पनीर से अच्छा मिक्स वेज ही लग रहा है। तूने टेस्ट किया पनीर वाला सब्जी? बहुत ही अच्छा, लेकिन मुझे पनीर से ज्यादा ये वाला अच्छा लगा। चलो डन हो गया खाना पीना, ये अभी भी खा रही है। दही मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बाकी मिक्स वेज सबसे बेस्ट था रोटी से खाने के लिए, बाकी सब कुछ ठीक ठाक। यहाँ से थोड़ा बहुत आइसक्रीम भी ले लिया है हमने। बाहर धूप बहुत ही ज्यादा है, अंदर थी तो समझ भी नहीं आ रहा था।
बहुत ही ज्यादा धूप है यहाँ, इतना तेज धूप है कि क्या बताऊँ मैं। ओके सो नाउ वी आर इन टूल नंबर 5 या 4 कुछ होगा शायद, पता नहीं। टूल गेट नंबर 6। वी वांट मसाला कूल ड्रिंक्स। आइसक्रीम तब नहीं मिला, अब तो खा पीना पड़ेगा, अब तो पीना पड़ेगा ना मुझे मसाला कूल ड्रिंक। बाय द वे हम लोग पूरी के रास्ते में घुस गए हैं, अभी कितना देर लगता है देखते हैं। ओके सो पूरी घुसने के बाद ये वाला लास्ट टोल है शायद 7 नंबर टोल। पीछे जो होर्डिंग दिख रहा है वो यहाँ से भुवनेश्वर का है 18 किलोमीटर, और वहाँ से इस तरफ मतलब इस तरफ का है पूरी 42 किलोमीटर, अभी भी बाकी है। एक थम्स अप लिया है मैंने, मैंने अपना जगह चेंज कर लिया है, अभी वहाँ हॉल्ट करने के बाद अभी डायरेक्ट सीधा पूरी सी बीच में जाके रुकेगा। पहुंच गए सी बीच के पास में। तो हम लोग अभी होटल में आके घुस गए हैं, लेकिन मैं कहीं पर जाऊंगी और कुछ गड़बड़ नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं आई तो हूँ लेकिन फोन का चार्जर ही भूलकर आ गई हूँ, मतलब सोचो अभी मेरे फोन में 2% चार्ज है बस। अभी हम लोग फ्रेश वेश हो रहे हैं धीरे धीरे सभी लोग, बस अभी हम लोग निकलेंगे और मुझे USB केबल खरीदना है, फिर जाके मैं वापस से व्लॉग बना पाऊंगी। सो नेक्स्ट व्लॉग के लिए नेक्स्ट दिन के लिए वेट करना, अभी इस व्लॉग का तो यहीं पर खत्म हो रहा है। चलो बाय।